फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ फेशियल के स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप घर पर ही फेशियल कर सकते हैं। वैसे तो आजकल फेशियल करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि मार्केट में रेडीमेड किट्स जो अवेलेबल है उनको आप ला करके घर पर फेशियल कर सकते हैं। लेकिन फेशियल करने के लिए आपको सही स्टेप्स मालूम होने चाहिए जिन्हें आप यूज करके घर पर फेशियल का फायदा उठा सकते हैं। वैसे तो हम लोग पार्लर्स में जाते हैं तो हमें काफी अच्छा रिजल्ट्स मिलता है क्योंकि वो अच्छे सही स्टेप्स हमारे फेस पर करते हैं, तो उससे हमें अच्छा एक रिजल्ट मिलता है। स्टेप्स का सही होना भी फेशियल में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फेशियल्स के कुछ स्टेप्स जिन्हें आप फॉलो करके अपने फेशियल का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको फेशियल्स के स्टेप। आप इस तरह से बाउल में पानी ले लें या फिर स्प्रे बॉटल में आप पानी ले लें। आप रोज वाटर का भी यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। हो सके तो अगर आप स्टीम देना चाहें, स्टीम के बाद हल्का सा, स्टीम भी नहीं देना चाहते तो कॉटन के हैंकी को गर्म पानी में डिप करके 2-3 बार अपने फेस पर ऐसे इस तरह से फेशियल करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने फेस को प्लेन वाटर से क्लीन किया है क्योंकि सिर्फ मैं अभी आपको स्टेप्स बता रही हूँ। इस तरह से आप कोई भी क्रीम ले, मैंने कोई क्रीम ले लिया है क्योंकि मुझे आपको सिर्फ स्टेप्स बताने। इस तरह से आप क्रीम लेकर के अपने हाथ में इस तरह से मसाज करके और सबसे पहले अपने पूरे फेस पर आप अच्छे से लगा ले। इस तरह से नेक में, बैक साइड, पूरा बैक में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से लगा करके सबसे पहले आप अपनी नेक को इस तरह से 1-2, 1-2, 1-2 करके अच्छे से इधर की साइड, इस तरह से इधर की साइड ऐसे अच्छे से क्लीन कर ले। उसके बाद सेकंड है आपको इस तरह से आपको पुश करके पीछे की साइड, इस तरह से आपको पूरा प्रेस करना है पीछे की साइड ऐसे। अगर कोई आपको हेल्प करता है तो वो इस तरह से आपको ले जा करके यहाँ आपको हल्का सा प्रेस करे, ज्यादा टाइट प्रेस नहीं करना है। ये प्रेसिंग पॉइंट होता है नेक का इस तरह से। और आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में पूरा अपने हाथ से अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह से आप इस तरह से करते जाइए सर्कुलर मोशन में, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आप करते जाइए। ये 3 स्टेप हो गए नेक के। 1, फिर आपको ये यहाँ पर इस तरह से सर्कुलर मोशन, 2, और आपको इस तरह से स्ट्रेच करके हल्का सा पीछे प्रेस करना है, नेक डाउन करके प्रेस कर ले। ये आपके हो गए नेक के। फिर आप हल्का सा इस तरह से चिन को लेंगे, चिन में भी इस तरह से सर्कुलर मोशन में यहाँ जाते हुए आपको यहाँ पर प्रेस करना है। इस तरह से आप हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए यहाँ पर प्रेस करें, 2 प्रेस करना आपको, हल्का सा सर्कुलर मोशन ले जाते इस तरह से, फिर हल्का सा इस तरह से आपको इस तरह से बना करके यहाँ से ले जा करके इसको इस तरह से ऐसे प्रेस करना है कानों के पीछे में। आपको इस तरह से प्रेस करना है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का सा आप इसको प्रेस करें इस तरह से, और फिर इस तरह से आप इस तरह से, इस तरह से 3rd स्टेप हो जाएगा आपका चेन का। ये मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आपको इस तरह से चीख का करना है, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपको करना है, ज्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, ये आपका चीख का होगा। फिर आपको इस तरह से, इस तरह से, फिर आपको इस तरह से, इस तरह से आपको चीख का भी करना है, इस तरह से, इस तरह से आपको चीख का भी करना है, ऐसे ऊपर की साइड आपको करना है इस तरह से, फिर हल्का सा इस तरह से यहाँ पे आपको प्रेस करना है, यहाँ पे आपको, और इस तरह से आप प्रेस करते हैं, 2, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, आपका चीक्स का हो जाएगा 1-2 और आपका ये 3 ऊपर तक पूरा ले जाए ऐसे आराम से करें आप इस तरह से। ये आपका हो गया 2, आपका चीक्स का हो गया है। अब आपके नोज की बारी है, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से करें 1-2-3-4-5, इस तरह से
आप जो यहाँ पे आपके ब्लैकेट्स होते हैं यहाँ पर उसको करें, या आपका पूरा रिंग है इसको कवर करें, यहां से इस तरह से करें, फिर यहां से इस तरह से करें, यहां से, फिर यहाँ डार्क सर्कल्स होते हैं यहाँ आपको सिर्फ आपको सर्कुलर मोशन में सिंगल टिप से इस तरह से आप इस तरह से करते रहें यहाँ पर इस तरह से वन, और इसी तरह से आपको आईज के ऊपर भी सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए घुमाते रहना है, बाहर ले जाकर के इस तरह से प्रेस करें, टू हो गया। एक बारी इस तरह से ओपन क्लोज करें आईज को, वन थोड़ी देर रखें फिर इसको हटाएं, टू रखे रखे, वन टू, इस तरह से आप अपनी आईज का करें, नोज का, और आपको इसी तरह से यहां पर भी अपने चीक से करना है, यहां पर इस तरह से करते हुए आपको यहां भी करना है, आपको सेम जो आपने नोज के पे किया था वही आपको यहां पर फॉलो करना है। ये हो गया आपका आईज का, हो गया नोज का, हो गया। अब आई फोरहेड के बारे, इस तरह से आपने इस तरह से मसाज करते हुए यहीं पर प्रेस करना है आपको, हल्का सा यहाँ पर इस तरह से प्रेस करते हैं यहाँ पर, फिर इस तरह से हल्का सा इस तरह से प्रेस कर ले, और अपने बालों को हल्का सा फेशियल करने से पहले थोड़ा सा सेट कर ले, या फिर हेयर बैंड का आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से आपको करना है। और ये यहाँ पर इस तरह से ले जाते हुए आपको, और थोड़े ठंडे पानी को आपको यूज करना है इस तरह से। यही हुआ आपके फेशियल के स्टेप्स, इन फेशियल के स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने घर पर आराम से फेशियल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ इस तरह से, और फेशियल करने के बाद हल्का सा आप वॉश कर लें, या फिर आप अपने टॉवल से इस तरह से क्लीन कर लें। तो ये थे आपके फेशियल के स्टेप्स, इन्हें फॉलो करके आप अपने किट का और अपने होममेड फेशियल का फायदा उठा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको ये मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ जरूर मेरी वीडियोज को शेयर करिए। थैंक यू।